दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर चुनावी दस्तक, चुनावी आहट अब नज़दीक से सुनाई पड़ने लगी है, क्योंकि अगले लगभग 2-2.5 महीने के अंदर हरियाणा का विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव लगभग संपन्न भी हो सकता है। तो उस सब को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में थे। हिसार में उन्होंने नगर निकाय संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों यानी कि पार्षदों और नगर परिषदों, पालिकाओं के चेयरमैनों, इनके साथ में एक बड़ी बैठक की, इनका एक सम्मेलन हुआ। दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं, अभी हाल ही में सांसद बने हैं चौथी बार, वो हरियाणा के अंदर अपनी एक यात्रा लेकर चल रहे हैं और उनके पैरलर ही अब यात्रा शुरू हो जाएगी 27 तारीख को कुमारी शैलजा की, जो सिरसा से सांसद हैं। यानी कि कांग्रेस के दो धड़े जो कहे जाते हैं, कांग्रेस के एक हुड्डा साहब की यात्रा चल रही है तो अब कुमारी शैलजा की यात्रा शुरू हो जाएगी। कुमारी शैलजा की जो यात्रा का पोस्टर रिलीज हुआ है, पोस्टर जारी हुआ है, वो पोस्टर दोस्तों कई संदेश देने वाला है। उस पोस्टर का जो मैसेज है, जो यात्रा का नाम है, कांग्रेस संदेश यात्रा, और इसके साथ उसका जो लोगो लगाया गया है, जो उसका स्लोगन है कि हरियाणा का हक मिलने तक, यानी कि हरियाणा का हक मिलने तक ये यात्रा चलेगी, ये कांग्रेस का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। जो मैं आपसे कह रहा था कि उनका जो पोस्टर लॉन्च हुआ है वो कोई संदेश दे रहा है। आप इस पोस्टर को देखें तो इसके अंदर बीच में कुमारी शैलजा है, एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला है, दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह है। और जो इस पोस्टर के साथ में जो संदेश लिखा हुआ है कुमारी शैलजा की फेसबुक वॉल पर, और उसके अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सभी के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी ही यात्रा चली थी कुमारी शैलजा की। शैलजा जी की जो रथ यात्रा थी, उस रथ पर जो बस नुमा रथ था, जो उसमें सवार हुआ करती थी कुमारी शैलजा, और उनके साथ हुआ करते थे रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी। SRK ये गुट माना जाता था, ये उस जो शैलजा जी का खेमा है उसको SRK यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण, इस नाम से जाना जाता था। परिस्थितियां बदली, समय बदला, लोकसभा का चुनाव हो गया। लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, यानी कि बीजेपी को 5 का नुकसान और कांग्रेस को 5 का फायदा। ये जो 5 का नुकसान बीजेपी को हुआ वो तो बीजेपी के लिए उनके मंथन का, चिंतन का सोच है कि भाई कैसे उनके बारे में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कैसे पूर्ति करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस को 5 सीट मिली वो मंथन का दौर कुमारी शैलजा के लिए भी था। कुमारी शैलजा जिन्हें की केवल एक ही सीट यानी कि खुद सिरसा से वो चुनाव जीत गई, और बाकी जो 4 सांसद बने वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खेमे में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। चाहे वरुण मुलाना हैं, चाहे JP हैं, चाहे सतपाल ब्रह्मचारी हैं, तीनों वो हुए, और चौथे उनके अपने बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया, ये 5 सीटें मिल गई। मैंने आपको बता भी दिया कि किस किस के लिए क्या क्या मंथन है। उसके बाद में किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी, हाथ छोड़ दिया और पकड़ लिया कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी के शामिल होने के बाद जो उसका प्रत्यक्ष संदेश गया वो ये गया कि कुमारी शैलजा का गुट क्या कमजोर हो गया। कुमारी शैलजा के गुट में जो 3 नेता थे उनमें से एक बाहर हो गई, यानी कि किरण चौधरी चली गई। हालांकि इसके परोक्ष संदेश कई हैं। माना जाए कि किरण चौधरी के जाने से कुमारी शैलजा का गुट क्या कमजोर हो गया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की विरोधी तो थी, लेकिन किरण चौधरी का अपने लिए भी कोई एक स्थान तलाश का हमेशा मसला रहा करता था। और किरण चौधरी भी खुद को गांधी परिवार के इतने नज़दीक मानती थी कि जिससे आप ये मान सकते हैं कि अगर आप ये कहा जाए कि कुमारी शैलजा के साथ में क्या किरण चौधरी एक पेड़ के नीचे वाला पौधा वाला थी, तो वो सिस्टम बिल्कुल नहीं था। किरण चौधरी का आप संबोधन कभी भी देख लें, वो उनको जो उनकी बस रथ यात्रा पर हुआ करती थी तो उनमें कहा करती थी कि मेरी छोटी बहन कुमारी शैलजा।
खैर ये राजनीति है, इसके अंदर तमाम प्रकार की बातें चलती हैं। जो डेंट लगा शैलजा के ग्रुप को, अगर बात ये आ जाए कि किरण चौधरी के जाने से शैलजा गुट कमजोर हुआ, तो फिर आप मान लें कि अब शैलजा गुट को ताकत फिर मिल जाती है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां आ गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां, जिन्हें बांगर चौधरी के नाम से जाना जाता है, बांगर की जमीन पर तो उनका बड़ा अच्छा असर है। बांगर की जमीन पर वीरेंद्र सिंह के असर को कमतर आंका नहीं जा सकता। और चौधरी वीरेंद्र सिंह है भी खांटी नेता, पुराने नेता हैं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय के नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। 1984 में पहला लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ लिया था और उससे पहले राजनीति में वो लंबे समय से सक्रिय रहे। जब तक स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उनकी गुड बुक्स में हुआ करते थे चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां। एक बार बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि रात को देर रात तक उन्हें राजीव गांधी फ़ोन कर लिया करते थे। खैर, मैं जो पोस्टर आपको बता रहा हूँ आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक तरफ कुमारी शैलजा के रणदीप सुरजेवाला हैं, दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। और जो मैंने आपको बताया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातों का दूरगामी संदेश हुआ करता है। पिछले दिनों आपको एक बात बता दूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे वीरेंद्र सिंह, और उदय भानजी ने उन पर टोंट कस दिया था। उदय भानजी ने कह दिया था मार्गदर्शक मार्गदर्शन करेंगे, और उस पर फिर चुस्की ली थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उन्होंने भी कह दिया था कि मार्गदर्शक हो गए। तो तुरंत हाजिर जवाब चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां ने कहा था कि ये मार्गदर्शक होने वाले हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ, राजनीति के दूरगामी संदेश हुआ करते हैं। और अब जब कुमारी शैलजा एक बार फिर यात्रा लेकर निकलेंगी, जो उनकी 27 तारीख को यात्रा शुरू होनी है अम्बाला से, उस यात्रा के लिए फरीदाबाद में एक वाहन तैयार हो रहा है, जिस वाहन पर कुमारी शैलजा के जो यात्रा चलेगी उसके अंदर वो आगे आगे होगा। आपको मैं बताऊं कि कुमारी शैलजा की तरफ से कहा तो ये जा रहा है कि ये यात्रा हरियाणा के शहरी क्षेत्र में जाएगी, यानी कि संदेश तो ये है, बताने की बात तो ये है कि शहरी क्षेत्र जहां पर कहीं कांग्रेस कुछ कमज़ोर है वहां पर मजबूत करेंगे। लेकिन आपको बता दूं तो फिर जो कुमारी शैलजा के साथ जो अब नया ये धड़ा गुट जो तैयार हुआ है, जो SRK से हट करके SRV हो गया, शैलजा रणदीप और वीरेंद्र सिंह, ये ग्रुप जा करके अब उन सभी स्थानों पर जाएगा जहां पर कि कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, जहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां के समर्थक हैं, जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हैं, और विधानसभा चुनाव तक यात्रा रहेगी। इसकी आरंभ शुभारंभ की तारीख तो दे दी, लेकिन समापन की कोई तारीख अभी नहीं मिली है। इसमें ये नहीं आया कि ये रूट चार्ट क्या होगा, लेकिन ये जरूर हो गया कि कुमारी शैलजा कह रही हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कुमारी शैलजा की ये यात्रा हरियाणा के तमाम हिस्सों में जाएगी, और उन हिस्सों में खासकर जाएगी जहां पर कि कुमारी शैलजा के समर्थक, कुमारी शैलजा के शुभचिंतक, उनके ग्रुप के लोग, उनके ग्रुप के नेता जिन जिन विधानसभाओं में हैं वहाँ भी जाएगी, जहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हैं, यानी कि कैथल तय हो गया, सिरसा तय हो गया, अम्बाला लोकसभा तय हो गई, सिरसा लोकसभा तय हो गई, इसके साथ में माने तो कैथल कुरुक्षेत्र में आता है लोकसभा, वो तय हो गई, हिसार चौधरी वीरेंद्र सिंह वहाँ से आते हैं, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद थे, वो तय हो गई, यानी कि 4 लोकसभा का मतलब 36 सीटें तो पहले फिक्स हो गई। और उसके बाद फिर आगे कुमारी शैलजा ने फरीदाबाद और गुरुग्राम का जो मुद्दा उठा दिया लोकसभा में, आप मान लें कि कुमारी शैलजा की नज़र है दक्षिण हरियाणा की सरजमी पर, इधर पूरी नज़र है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम जहां पर 18 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर भी कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कमज़ोर साबित हुई थी, और SRV यानी कि शैलजा रणदीप और वीरेंद्र सिंह का गुट अब वहां सब जगह जाएगा जहां पर कि इनका ग्रुप कहीं कमज़ोर था, या जहां पर इनके पास नेता हैं वहां भी जाएंगे, और जहां पर अभी नेता नहीं है वहां भी जाएंगे। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में यानी कि सितंबर अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा, और अगस्त और सितंबर के महीने में टिकटों का वितरण होगा। चाहे राजनीतिक दल कोई भी है, अपने समर्थकों को वो नेता टिकट दिलवाने में सफल सिद्ध होता है जो कि होमवर्क ठीक कर ले, जो ग्राउंड पर जाकर के काम कर ले। अगर ग्राउंड पर मेहनत हो जाती है तो फिर सफलता मिल जाती है। और आप मान लें कि कुमारी शैलजा, हालांकि वैसे ही वो कांग्रेस के अंदर, गांधी परिवार के अंदर कांग्रेस आला कमान में अपना विशेष स्थान रखती हैं, विशेष उनका एक, अगर मैं कहूं कि अलग ही जगह है उनकी, किचन कैबिनेट की मेंबर हैं सोनिया गांधी की शैलजा जी,
तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि SRV जो नया गुट बन गया, यानी कि शैलजा अब जब चलेंगी कदम ताल करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां के साथ में, तो फिर नज़र वहाँ भी रहेगी कि जो लोग कहीं दूर हैं कांग्रेस में रह करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, फिर कांग्रेस के अंदर वो लोग जो कहीं किनारे हैं नेपथ्य पे हैं उन लोगों पर, और फिर उसके बाद में किन लोगों को कौन सी पार्टी से लाया जा सकता है, इन सब पर अगले दिनों में जब इनकी यात्रा चलेगी। और दूसरी बात, जब एक तरफ पैरलर यात्रा होगी दीपेंद्र हुड्डा की और दूसरी तरफ पैरलर यात्रा चल रही होगी कुमारी शैलजा की, तो फिर राजनीति के अंदर एक नया और दूरगामी संदेश देंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि कुमारी शैलजा जो अब एक बार फिर से ग्राउंड पर उतरेंगी, वो उसके अंदर कांग्रेस आला कमान को क्या अपना कोई संदेश देने में कामयाब होंगी? आपको क्या लगता है कि जो SRV यानी कि शैलजा रणदीप और वीरेंद्र सिंह का जो गुट एक नया तैयार हुआ है पोस्टर लॉन्च होने के बाद, इनके साथ में और कांग्रेस के कौन से बड़े नेता संपर्क में आ सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से क्या कांग्रेस आला कमान में कुमारी शैलजा कोई संदेश देने में कामयाब होंगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।